और सूरज स्कूल सेक्टर 56 में दीप ज्योति मेले का आयोजन किया गया। यह मेला बाल मेला के नाम से गुरुग्राम में इतिहास मेला बन गया। तकरीबन 10,000 व्यक्ति मेले को देखने के लिए स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। गुरुग्राम शहर के प्रमुख राजनीति और जानी मानी हस्तियों ने मेले में शिरकत की। सूरज स्कूल के डायरेक्टर भी रेवाड़ी से मेले में पहुंची और मेले में भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्कूल के सभागार में शिक्षा वेदी पेशावरों और सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य अतिथियों के साथ एक भव्य समारोह आयोजित किया गया और दीप प्रज्वलन के बाद दिन भर कार्यक्रम का शुरुआत हुई। और मेले में ज्यादातर बच्चों के मनोरंजन के लिए जादू का खेल, बच्चों के बचपन के खेल को दिखाया गया। अतिथियों ने स्कूल के इस प्रयास की सराहना की और सूरज स्कूल सेक्टर 56 के समस्त परिवार को शुभकामनाएं दी। दीप ज्योति करके हम दिवाली मेला कर रहे हैं और ये जो दीप ज्योति नाम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक महीना पहले एक छोटा बछड़ा पाला है काल्फ, तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली कि दीप ज्योति नाम बहुत सुंदर है, तो क्यों ना हम सब मिलके अपने सूरज स्कूल सेक्टर 56 के प्रांगण में दीप ज्योति करें और सबसे मिले और बच्चों को एक जिंदगी भर की एक सुनहरी यादगार दें। आज के प्रोग्राम में लोग कहां-कहां से आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में? सर मेरे प्रोग्राम में आज लोग दूर दूर से आए हैं और कम से कम 7,500 से 10,000 लोगों की आने की आशंका है और आधे से ज्यादा तो आई चुके हैं। 80 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं और दूर दूर से कलाकार आए हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसका बच्चों को हम एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं। क्ले पॉटरी, बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट, मैजिक शो, कठपुतली, जो चीजें जो हम बचपन में खेल खेला करते थे और आजकल की युवा पीढ़ी और नए बच्चे भूल गए हैं, उनको उन्हीं यादों से जोड़ने का एक यहाँ पे एक माध्यम है और बच्चों को एक जिंदगी भर के लिए एक सुनहरा दिन देने की मेरी कोशिश है। तो इसलिए मैंने आज ये बाल मेला दिवाली मेला दीप ज्योति का यहाँ पे रखा है और आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज हमारी डायरेक्टर मैम जो कि बहुत कम दिखाई देती हैं और जिनकी इंस्पिरेशन हमेशा मेरे साथ रहती है, आज वो भी सूरज स्कूल सेक्टर 56 में आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत ही प्रोत्साहित फील कर रही हूँ कि वो हमारे स्कूल में आज अपना टाइम निकालकर इतनी दूर रेवाड़ी से आई हूँ।